राम राम नमस्कार, मैं सोए राजपूत, आप देख रहे हो आरसी मीडिया। खबर शेरगढ़ के भूंगरा गांव से है। भूंगरा गांव में जो 8 तारीख को गैस त्रासदी हुई थी, गैस त्रासदी के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भूंगरा गांव को गोद लिया। भूंगरा गांव को गोद लेने के बाद जल की समस्या का जो प्रस्ताव पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भूंगरा गांव के लिए 13 नलकूप स्वीकृत किए। आज सुबह बाबू सिंह राठौर और उनकी टीम सुबह भूंगरा पहुँची और विधि विधान के साथ नलकूपों आरम्भ किया और गाँव के गणमान्य लोग भी मौजूद थे। जय जोधना, जय राजस्थान। भूंगरा की दुखदायी घटना गैस त्रासदी में स्वर्गीय सगत सिंह जी की ढाणी में यहाँ पर नए नलकूप का निर्माण हो रहा है। आदरणीय राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी ने यहाँ आकर दुख की घड़ी में इस परिवार को संभाला था और उन्होंने इनकी हिम्मत बढ़ाई थी, संभल दिया था। और जब उन्होंने हालात देखे तो उनका दिल पिसीज गया था और यहाँ पर हमारे नेतृत्व में, हमारी अगुवाई में 5 लोगों की कमेटी बनाई थी और कमेटी को ये निर्देश दिए थे कि जितने भी मृतक परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, उन घरों में आप जाइए, उनका सर्वे करिए और जहाँ पर मकान बनाने की ज़रूरत है वहाँ मकान बनाइए, जहाँ पानी की समस्या है वहाँ ट्यूबवेल करिए, अगर बच्ची छोटी है तो उसके नाम शादी योग्य हो तब तक के लिए FD बना के दीजिए, उनकी छात्रवृत्तियों के लिए भी करिए। तो जो जरूरत है, जरूरत के हिसाब से प्रत्येक ढाणी में, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घायल परिवार में हमको मदद करनी चाहिए और उन्होंने शुरुआत सभी परिवारों में खाद्यान्न सामग्री देकर करी। उसके बाद सगत सिंह जी की ढाणी में कंटेनर भेज करके अस्थायी आवास की व्यवस्था कराई और जब से उन्होंने हमें निर्देश दिए हैं तब से हम लगातार इन पीड़ित परिवारों की सेवा में लगे हुए हैं और रात दिन एक करके कैसे इनकी मदद की जाए और कैसे ये सामान्य जीवन, उन्हें इनका सामान्य जीवन जी सके और उनको संबल मिले, ताकत मिले, हिम्मत मिले, इसलिए हम इनके साथ हैं। और आज जो आदरणीय वसुंधरा जी ने निर्णय किया है कि जितने पीड़ित परिवार हैं, इन ढाणियों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय पानी आता था और जब से कांग्रेस की सरकार बनी पानी आना बंद हो गया है, इसलिए इन ढाणियों में नए नलकूप निर्माण करा करके सबसे पहले तो पानी की समस्या का समाधान करेंगे। जब ट्यूबवेल बन जाएगा तो इनके मकानों के निर्माण भी हमको करने हैं, दूसरी भी समस्याओं का समाधान करना है। तो इन सब को लेकर के आज सबसे पहले जो आदरणीय सगत सिंह जी की ढाणी आग की चपेट में आ गई थी उसी ढाणी में सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं और सगत सिंह जी की ढाणी में यहाँ नया नलकूप निर्माण हो रहा है। वैसे ही अब दूसरी जगह भी हम लोग पास में ही भैरू सिंह जी की ढाणी, बादू रणछोड़ सिंह जी की ढाणी, सता भाटियों की ढाणी, प्रधान जी की ढाणी, मनोज सिंह की ढाणी, ये 5 ट्यूबवेल यहाँ भूंगरा गांव में खोदे जाएंगे। इसके अलावा रायसर गांव में कुंभारों की ढाणी, केल भाटियों की ढाणी, नायों की ढाणी और भीम सिंह की ढाणी, 5 ट्यूबवेल ये रायसर गांव में खोदे जाएंगे और गुलदान सिंह की ढाणी, गुलदान सिंह खींची की ढाणी कोड़ू बाबू जी, वहाँ भी एक ट्यूबवेल खोदा जाएगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर करीब 13 ट्यूबवेल ये पीड़ित परिवारों में खोदेंगे और जल्दी इसको हम उनको शुरू करा करके पानी की समस्या का समाधान करेंगे और दूसरी भी इनको जो जरूरत होगी उसके अनुसार इनको मदद की जाएगी। आपके सामने आप देख रहे हैं तो पास में हैंडपम्प खुदा हुआ है, वो हैंडपम्प भी हमारे द्वारा जब हम तत्कालीन उस समय विधायक थे उस समय अमेश सिंह जी ढाणी में हमने ये हैंडपम्प खुदाया था। अब इस हैंडपम्प के पास ही ये नया नलकूप का निर्माण हो रहा है और नलकूप निर्माण होने से यहाँ पानी की समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद।